एक्टिव माइक्रो प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यानी कि एक दो तीन, तीन यूनिट तक मैंने उस वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में बताएंगे फोर और फाइव। वैसे मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बता दूंगा, लेकिन शार्ट में बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम हमारा जो टारगेट रहेगा फोर और फाइव यूनिट, उसके अलावा जो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, यानी फोर फाइव के अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, तो आप अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बैक तो लग नहीं सकती, उसके अलावा आप टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख करके कई सारे स्टूडेंट 85 यहाँ तक 60 75 85 तक वो जो है मार्क्स एग्जाम में ला चुके हैं। तो आप भी पहले वीडियो देखिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है माइक्रो प्रोसेसर को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का नाम है, कोड इसका KCS 403। आपको पहले ही बताओ का मैं पार्ट वन में बता चुका हूँ क्या है इसका KCS 403, ठीक है। यूनिट 1, 2, 3 में बता चुका था, लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूनिट 1 का, फिर उसके बाद यूनिट 2 का, क्योंकि अगर आपको डिटेल्स वीडियो देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिए, या फिर मैंने अभी दो तीन दिन पहले वीडियो अपलोड की, उससे देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट 3 है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 जो हमारा टॉपिक्स है, क्योंकि हम रिपीट वीडियो करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूनिट 4 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में आपका पहला आता कंडीशनल कॉल, क्या है कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंडीशनल कॉल क्या होती है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशनल कॉल और रिटर्न, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2 मार्क्स का पूछेगा तो दो क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर डेरिवेटिव यानी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 10 मार्क्स का, तो ये भी आ सकता है 10 मार्क्स में। तो इसलिए इसको आपको कंडीशनल कॉल और उसके अलावा रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या होता है अच्छे से देख लेना है। देखो मैंने 3 क्वेश्चन केवल लिए यूनिट 3 से, बाकी अगर आप 3 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते तो फिर आपको बेकार है। तो इसलिए कम से कम एक यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हो बैक न लगे तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर क्या होता है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि काउंटर्स एंड टाइम डिले क्या होता है, काउंटर्स के बारे में भी आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं एक बार हर वीडियो में नियर अबाउट मैं रिपीट करता हूँ कि आप लोग अगर फिगर दिखे कहीं भी, आपको कहीं भी फिगर दिखता है कहीं भी आपको, तो डायग्राम जरूर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि डायग्राम अगर आप बना देते हो तो आपके मार्क्स ऑलरेडी समझिए कि पूरे के पूरे मिल गए। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने एक डायग्राम बना दिया, और उसका आपने थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखी, सिर्फ आपने 5 से 6 लाइन या 8 लाइन थ्योरी लिखी, तो 10 मार्क्स का आपको पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डायग्राम ही बनाते हो, थ्योरी कुछ नहीं लिखते, तो भी आपको 5 से 6 मार्क्स कहीं गया नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 पेज थ्योरी भर के आते हो, डायग्राम नहीं बनाते, तब भी कोई गारंटी नहीं कि आपको 10 मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 4-5 मार्क या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखे हो तो आपको 8 मार्क्स 7 मार्क ऐसे मिलेगा, लेकिन डायग्राम में तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए बताता हूँ डायग्राम जरूर आए। दूसरा डाटा ट्रांसफर और काउंटर्स एंड टाइम डिले, ये आपको अच्छे से देखना है। तीसरा आपका आ गया, तीसरा क्या है आपका प्रोग्रामिंग टेक्निक, क्या है प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड लूपिंग, प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड लूपिंग, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, दूसरा डाटा ट्रांसफर एंड काउंटर्स एंड टाइम डिले, ये आपको तीनों टॉपिक देख के जाना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि भी आने के चांसेस हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार ये भी देख लेना है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है एंड लूपिंग क्या होती है। अब उसके बाद बात आती है हमारी यूनिट नंबर 5 का है, उसके बाद बात करूँगा जो अदर इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में बात करें तो आपको पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है 8237 क्या है, 8237 डीएम में क्या होता है, 8237 डीएम में कंट्रोलर, ठीक है, 8237 डीएम में कंट्रोलर और 8259 का प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। अब देखो मैंने यहाँ पे आर क्यों लगाया है, अब आप चाहे ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो, कोई ना कोई या तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, फिर ये वाला, दूसरा क्या है 8253 या फिर 8254 प्रोग्रामेबल टाइमर काउंटर। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को ऑब्लिक करके या फिर और करके ऑप्शनल करके छोड़ा है, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप दोनों पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लीजिए आपसे ये वाला पूछ ले या नहीं है तो आप क्या करोगे, तो इसलिए, लेकिन चांसेस यही है कि दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिया है। तो आपको 8237 डीएम में कंट्रोलर देख लेना है और 259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट काउंटर कंट्रोलर क्या होता है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 2 है 8253 अपॉन 8254 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट टाइमर काउंटर, दोनों आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन लिया, बाकी एज यू विश, अगर आपके पास टाइम है तो और भी देख सकते हो, लेकिन 2 क्वेश्चन कम से कम देख के जाना है।
अब अदर इम्पॉर्टेंट जो बन सकते हैं, यानी इनके अलावा यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तीन क्वेश्चन मैंने लिया। पहला आपका हाउ द डिफरेंट पेरिफेरल आपको 8085 का और 8086 का और इंटरफेस विथ माइक्रो प्रोसेसर देखना, ठीक है। 8085 और 8086 का माइक्रो प्रोसेसर आपको देखना, ठीक है, कि कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086, यानी आपको 8085, 8086 की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आप ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे। और हाँ, मैं जो बता रहा हूँ लास्ट में, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स के नहीं बल्कि 10 मार्क्स का ही आएगा। तो तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जरूर पढ़ लेना तीनों। तीसरा आपका इवेल्युएट द डाटा ट्रांसफर, आपको इसके पहले भी बता चुका, डाटा ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए देखो यहाँ पे भी आपका इवेल्युएट द डाटा ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। क्या है सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स? पहला है आपका, रिपीट करता हूं, हाउ द डिफरेंट पेरिफेरल 8085, 8086 आर इंटरफेस विद माइक्रोप्रोसेसर। दूसरा आपका एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085, 8086। तीसरा आपका इवेल्युएट द डाटा ट्रांसफर इंफॉर्मेशन थ्रू सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। अब आपको ये सारे जो मैंने बताया इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आपका 5 हो, चाहे आपका 3rd हो, 4 हो, कोई भी हो, सारे यूनिट्स आपको इंपॉर्टेंट है मैंने जो बताया। उसके अलावा मैं इस आज एक कोशिश करूँगा एक और वीडियो अपलोड करने की जो नेक्स्ट पार्ट का। तो हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का कोई एक सब्जेक्ट हम जो है अपलोड करते हैं, फर्स्ट ईयर कोई एक सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर का हो। आप कोई भी सीएस ब्रांच से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप आपको जो लगता है कि वीडियो अपलोड होना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हम कवर करेंगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी का, लेकिन मैं अभी सीएस का अपलोड करने का सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अपलोड होना चाहिए। जो ज़्यादा कमेंट आएगा जिस सब्जेक्ट के बारे में, आपको सब्जेक्ट का ब्रांच कोड कोड लिखे ना लिखे, लेकिन कम से कम ब्रांच और सेमेस्टर लिख देना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का अदर अदर ब्रांच होते हैं और सिलेबस उनका डिफरेंट होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सेमेस्टर लिखिए, ब्रांच लिखिए। तो आपको जो ज़्यादा कमेंट आएगा उसी पर वीडियो अपलोड करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और पार्ट 1 जरूर देख लीजिए।